मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे खूबसूरत रिश्ता है वो एक तरफा प्यार का है, तो क्योंकि उसमें तुम उसे खुश देखना चाहते हो, हर रोज खुश देखना चाहते हो और उसकी तुम ख्वाहिशें पूरी करनी चाहते हो और तुम उसे हर रोज पाना चाहते हो। तो यही सोच के लिखा था कि मेरे इजहार का तुम हर रोज इनकार करना, कि मेरे इजहार का तुम हर रोज इनकार करना, तुमसे कोई पूछे मेरे बारे में तो पहचानने से भी इनकार करना, और तुम्हें भी मोहब्बत है मुझसे ये मैं जानता हूँ, और तुम्हें भी मोहब्बत है मुझसे ये मैं जानता हूँ, मगर मुझे कभी महसूस ना होने देना, तुझे पाने की ख्वाहिश में हर रोज ये मौका मुझे जिंदगी बढ़ते रहे। क्या बात है। लेकिन यार एक तरफा प्यार से मेरी कुछ शिकायतें हैं, क्योंकि वो सिर्फ हमारी एक अच्छी दोस्त बन के रह जाती है, उसकी भी जिंदगी में कोई नया शख्स आता है जो शायद हमसे बेहतर है और वो हमारी जगह ले लेता है। तो तब लिखा था कि वो जो वक्त था हमारा जिसे तुम मेरे लिए निकाला करती थी उसे दे दिया ना, कि वो जो वक्त था हमारा जिसे तुम मेरे लिए निकाला करती थी उसे दे दिया ना, कि वो जो ख्वाब पूरे करने का वादा किया था तुमने मेरे साथ उनका भी समझौता कर लिया ना, और तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे ख्वाबों में आता हूँ, अब उसके साथ की गई रात भर बातों में क्या मैं तुम्हें एक बार भी याद आता हूँ। खैर छोड़ो ये फिजूल की बातें, इतना सब खोया है तो कुछ कीमती ही पाया होगा, राग करके सब कुछ मेरा महल तुमने अपना बनाया होगा। क्या बात है। और लिखा था कि दो लाइन का लिखा था कि ना जाने किस काम में इतना मशरूफ है वो शख्स, कि ना जाने किस काम में इतना मशरूफ है वो शख्स, आजकल खुद से भी बात नहीं करता। अरे वाह, बस इतना ही लिखा था। थैंक यू।